नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इलेवन और मैं हूं आपके साथ शिवानी। हिंदू धर्म में हर एक त्योहार या व्रत हिंदू पंचांग की तिथि के अनुसार मनाया जाता है, लेकिन विश्वकर्मा जयंती को हर साल सिर्फ 17 सितंबर को ही मनाया जाता है। अब ऐसे में सवाल ये है सबके मन में कि विश्वकर्मा हर साल एक ही दिन क्यों मनाई जाती है, तो आइए आपको इसका कारण बताते हैं। ऋग्वेद में विश्वकर्मा सूक्त के नाम से 11 ऋचाएं लिखी हुई हैं, जिनके प्रत्येक मंत्र पर लिखा है ऋषि विश्वकर्मा भावन देवता आदि। यही सूक्त यजुर्वेद अध्याय 17 सूक्त मंत्र 16 से 31 तक 16 मंत्रों में आया है। ऋग्वेद में विश्वकर्मा शब्द का एक बार इंद्र और सूर्य का विशेषण बनकर भी प्रत्युत हुआ। परवर्ती वेदों में भी विशेषण रूप में इसके प्रयोग अज्ञात नहीं है। यह प्रज्ञापति का भी विशेषण बनकर आया है, परंतु महाभारत के खिल भाग सहित सभी पुराणकार प्रभात पुत्र विश्वकर्मा को आदि विश्वकर्मा मानते हैं। स्कंद पुराण प्रभात खंड के निम्न श्लोक की भांति किंचित पाठ भेद से सभी पुराणों में यह श्लोक मिलता है। बृहस्पति भगिनी भुवना ब्रह्मवादिनी ब्रह्मास्य तस्य भार्य वसुना मष्टमतस्य च विश्वकर्मा संतुष्टस्य शिल्पकर्ता प्रज्ञापति। महर्षि अंगिरा के ज्येष्ठ पुत्र बृहस्पति की बहन भुवना, जो ब्रह्म विद्या जानने वाली थी, वह अष्टम वसु महर्षि प्रभास की पत्नी बनी और उससे संपूर्ण शिल्प विद्या के ज्ञाता प्रज्ञापति विश्वकर्मा का जन्म हुआ। पुराणों में कहीं योग सिद्धा वस्त्री नाम की बृहस्पति की बहन का लिखा है। शिल्प शास्त्र का कर्ता वह ईर्ष विश्वकर्मा देवताओं का आचार्य है, संपूर्ण सिद्धियों का जनक है। वह प्रभास ऋषि का पुत्र है और महर्षि अंगिरा के ज्येष्ठ पुत्र का भांजा है, अर्थात अंगिरा के दैहात्री यानी कि दोहिता है। अंगिरा कुल से विश्वकर्मा का संबंध तो सभी विद्वान स्वीकार करते हैं। जिस तरह भारत में विश्वकर्मा को शिल्प शास्त्र का आविष्कार करने वाला देवता माना जाता है और सभी कारीगर उनकी पूजा करते हैं, उसी तरह चीन में लू पान की बदोइयों का देवता माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों की मनन अनुशीलन से यह विदित होता है कि जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश की वंदना अर्चना हुई है, वहीं भगवान विश्वकर्मा को भी स्मरण परिष्टवान किया गया है। विश्वकर्मा शब्द से ही यह अर्थ व्यंजित होता है। विश्वम कृतस्तनम कर्म व्यापारे वा यस्य सः, अर्थात जिसकी सम्यक सृष्टि और कर्म व्यापार है वो विश्वकर्मा है। यही विश्वकर्मा प्रभु है, प्रभुत प्राकर्म प्रतिपत्र विश्व रूप विश्वात्मा है। इनकी सर्वव्यापकता सर्वज्ञता शक्ति संपन्नता और अनंतता दर्शाई गई है। हमारा उद्देश्य तो यहाँ विश्वकर्मा जी का परिचय कराना है। माना कई विश्वकर्मा हुए हैं और आगे चलकर विश्वकर्मा के गुणों को धारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुष को विश्वकर्मा की उपाधि से अलंकृत किया जाने लगा, तो यह बात भी मानी जानी चाहिए। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत भी शिल्प संकाय कारखानों उद्योगों में भगवान विश्वकर्मा की महत्ता को प्रकट करते हुए प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को स्वयं दिवस के रूप में मनाता है। यह उत्पादन वृद्धि और राष्ट्रीय समृद्धि के लिए एक संकल्प दिवस है। यह जय जवान जय किसान जय विज्ञान नारे को भी श्रम दिवस के संकल्प समाहित किए हुए हैं। यह पर्व सर्ववर्ष के कन्या संक्रांति की प्रतिवर्ष 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा के रूप में सरकारी और गैर सरकारी इंजीनियरिंग संस्थानों में बड़े ही हर्षोल्लास से संपन्न होता है। लोग भ्रमवश इस पर्व को विश्वकर्मा जयंती मानते हैं, जो सर्वदा अनुचित है। भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा कन्या की संक्रांति, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, भाद्रपद पंचमी, मई दिवस आदि विश्वकर्मा पूजा महत्व पर्व है। इन पर्वों पर भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विश्वकर्मा जी की वर्षों में कई बार पूजा व महत्व मनाए जाते हैं। जैसे भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा इसी तिथि की महिमा का पूर्व विवरण महाभारत में विशेष रूप से मिलता है। इस दिन भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना की जाती है। यह शिलांग और पूर्वी बंगला में मुख्य तौर पर मनाया जाता है। अन्नकूट दीपावली से अगले दिन भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना की जाती है। मई दिवस विदेशी त्योहार का प्रतीक है। रूसी क्रांति श्रमिक वर्ग की जीत का नाम ही मई मास की रूसी श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 मई को ऋषि अंगिरा जयंती होने से विश्वकर्मा पूजा महत्व मनाया जाता है। भगवान विश्वकर्मा जी का जन्म तिथि माघ मास त्रयोदशी शुक्ल पक्ष दिन रविवार का ही साक्षात रूप से सूर्य की ज्योति है। ब्राह्मण हेली के यजो से प्रसन्न होकर माघ मास में साक्षात रूप से भगवान विश्वकर्मा ने दर्शन दिए। ऋषि विश्वकर्मा जी का वर्णन मदरहने वृद्ध वशिष्ठ पुराणों में भी है। धर्मशास्त्र भी माघ शुक्ल त्रयोदशी को ही विश्वकर्मा जयंती बता रहे हैं। अतः अन्य दिवस भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना और महोत्सव दिवस के रूप में मनाए जाते हैं।
इसी तरह भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती पर भी विद्वानों में मतभेद है। भगवान विश्वकर्मा जी की वर्ष में कई बार पूजा महत्व मनाए जाते हैं। निंदे यह विषय निर्भम नहीं है। हम स्वीकार करते हैं प्रभास पुत्र विश्वकर्मा, भुवन पुत्र विश्वकर्मा तथा त्वष्टा पुत्र विश्वकर्मा आदि अनेकों विश्वकर्मा हुए हैं। यह अनुसंधान का विषय है, अतः सभी विश्वकर्मा मंदिर, धर्मशाला, विश्वकर्मा जी से संबंधित संस्थाओं, संघ और समितियों को प्रस्ताव पारित करके भारत सरकार से मांगी जानी चाहिए कि संपूर्ण संस्कृत साहित्य का अवलोकन किया जाए। भारत की विभिन्न यूनिवर्सिटीज में इस विषय पर शोध की जानी चाहिए। विदेशों में भी खोज की जाए तथा भारत सरकार विश्वकर्मा वंशियों का सर्वेक्षण किसी प्रमुख मीडिया एजेंसी से करवाए। श्रुति का वचन है, विवाह, यज्ञ, गृह प्रवेश आदि कार्यों का अनिवार्य रूप से विश्वकर्मा पूजा करनी चाहिए। स्पष्ट है कि विश्वकर्मा पूजा जन कल्याणकारी है, अतएव प्रत्येक प्राणी, सृष्टिकर्ता, शिल्प कलाधिपति, तकनीकी और विज्ञान के जनक भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना अपनी और राष्ट्रीय उन्नति के लिए अवश्य करनी चाहिए। तो फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूले। नमस्कार। News 1 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।